मुझे ऐसे कुछ नहीं, मुझे पिछले 4 साल से ऑफर मिले हैं टू डू बिग बॉस एंड आई हैव जस्ट नेवर फाउंड द टाइम टू डू इट. इस साल आल्सो आई डिड खतरों के खिलाड़ी एंड दैट इज व्हाई आई कुडन्ट डू बिग बॉस. आई मीन आई कुड डू इट पर मुझे एक रियलिटी के बाद थोड़ा ब्रेक लेके एक नॉर्मल डेली सोप करना था. बट लेट्स सी, आई शुड नेवर से नेवर. अभी तो देयर इज समथिंग कमिंग अप रियली कूल जिसके बारे में मैं बता नहीं सकती, पर जिस बारे में मैं बता सकती हूँ विच इज फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी जो 22 February से ऑन एयर आने वाला है कलर्स पर. और आप सब ने मेरा प्रोमो तो देखा ही होगा, तो आई जस्ट होप यू ऑल वॉच इट एंड लव इट लाइक ऑल द अदर सीजंस ऑफ खतरों. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं जितना दूर तक पहुँची वहाँ तक पहुँचूँगी. सेमीफिनाले में आकर मुझे शो क्विट करना पड़ा जैसे कि आप सब जानते हैं, सो दैट्स नो सरप्राइज. सो जितना मैं कर पाई आई थिंक जब भी आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा. आई थिंक आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ. That's all I have. It is never fun. और सब काटते हैं और बहुत कम चीज़ें होती है जो कैमरा में कैप्चर हो पाती है. जो हम पे बीतती है वो सिर्फ हम ही जानते हैं, क्योंकि वो कीड़े मकूड़े बहुत जगह घुस घुस के काटते हैं जहाँ कैमरा भी नहीं जा सकता. सो हमें पता है कि हम पे क्या घुस गए, मैं वो शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ. रोहित साहब वॉज वेरी सपोर्टिव एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ मतलब आई ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम एंड मैंने हमेशा हर एक स्टंट के पहले आई यूज्ड टू गो टू सर एंड आई यूज्ड टू बी लाइक ये वाला कैसे करूँ. और हमेशा जो भी पॉइंटर्स रोहित सर देते थे मैं उसे एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड फॉलो करती थी. एंड आई थिंक इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दैट कि मैं इतना दूर तक पहुँच पाई इन द शो. टॉप 3 में मैं तो देखना चाहूँगी रश्मि आसिम पारस को, बट आई थिंक सिद्धार्थ भी होंगे और शहनाज भी होंगे. 5 हो गया ना, इट्स सो टफ. वो लोग कैसे डिसाइड करेंगे टॉप 3? बहुत बहुत टफ है और बहुत अच्छा चल रहा है एंड टॉप 3 इज गोइंग टू बी टफ. मुझे ऐसे कुछ नहीं, मुझे पिछले 4 साल से ऑफर मिले हैं टू डू बिग बॉस एंड आई जस्ट नेवर फाउंड द टाइम टू डू इट. इस साल ऑल्सो आई डिड खतरों के खिलाड़ी एंड दैट इज आई कुडंट डू बिग बॉस. आई मीन आई कुड डू इट पर मुझे एक रियलिटी के बाद थोड़ा ब्रेक लेके एक नॉर्मल डेली सोप करना था. बट लेट्स सी, आई शुड नेवर से नेवर. आई नो आज पजामा पार्टी है बट आई एम वेयरिंग मोर लाइक स्पोर्टी क्लोथ्स, क्योंकि मेरे इतने प्रिटी पजामाज नहीं थे. एंड देन विकास टोल्ड मी आई कैन वेयर वॉट एवर इज कम्फर्टेबल एंड आई एम ऑलवेज मोर कम्फर्टेबल इन माई स्पोर्ट्स आउटफिट. सो आई एम लाइक आई डोंट केयर, मैं यही पहनूंगी, आई एम कम्फर्टेबल. आई कैन लिटरली गो ऑफ टू स्लीप इन दिस. सो या आई हैवंट एंड आई एम, मुझे पता है ओल्ड बालाजी एंड विकास का शो है. सो आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज दे हैव ऑलवेज कम अप विद रियली कूल स्टफ. तो ये भी बहुत ही अच्छा होगा एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द शो. यस देखो, मैंने जूनियर कॉलेज आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट और फिर बाद में मैंने इंजीनियरिंग की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में. सो इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर नॉट सो मच फन लाइक यू नो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेजेस. तो मैंने इतने कुछ मज़े नहीं किए, पर जितना भी हो सका मैं आई मीन यू नो बंकिंग क्लासेस, गेटिंग योर एक्सपेरिमेंट्स डन बाय समबडी एल्स, मास बंक, ये वो सारी मस्तियाँ बहुत. आई थिंक द लास्ट पजामा पार्टी ऑल्सो आई वॉज एट विकास बर्थडे ओनली, क्योंकि विकास के लास्ट टू लास्ट बर्थडे की भी थीम पजामा पार्टी थी. अदरवाइज आई डोंट थिंक आई हैव बीन टू पजामा पार्टीज. जो लड़कियाँ हम लोग अदरवाइज करते हैं लाइक स्लमर पार्टीज, उसमें तो ऑब्वियसली पजामाज होते हैं. ऑल ऑफ दैट आई हैव डन विद माय बेस्ट फ्रेंड्स, बट अदरवाइज नो. We'll be right back.